नवलहराल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। दो बार पैरालिंपियन गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट देवेंद्र झाझारिया इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एमेच्योर गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन फेडरेशन द्वारा चमेली देवी कॉलेज में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप 2019 का भव्य शुभारंभ किया। देवेंद्र झाझारिया भारत के पैरालंपिक भाला फेंक हैं। वो एकमात्र ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने पैरालंपिक में दो गोल्ड मेडल जीते हैं। मंगलवार को वो इंदौर पहुंचे। दरअसल एमेच्योर गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन फेडरेशन द्वारा चमेली देवी कॉलेज में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप के शुभारंभ पर उन्हें बुलाया गया था। इस अवसर पर देवेंद्र झाझारिया ने कहा कि उन्हें इंदौर आकर बेहद खुशी हुई है। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले समय में खेलों में भारत के खिलाड़ियों का भविष्य बहुत अच्छा है। शुरुआती मुकाबले कबड्डी के खेले गए, जिसमें पहला मैच बालक वर्ग में उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मध्य खेला गया। इस मैच में उत्तर प्रदेश को हरियाणा ने 9-33 से हराया। वहीं दूसरा मुकाबला मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें मध्य प्रदेश ने 29-9 से उत्तर प्रदेश को करारी शिकस्त दी। बालिका वर्ग में पहला मुकाबला चमेली देवी कॉलेज व एकलव्य स्कूल के बीच खेला गया। इसमें चमेली देवी कॉलेज ने 25-14 से विजय हासिल की। स्पर्धा के शुभारंभ के मौके पर संस्था के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर जॉय बैनर्जी, डीन जयराज व अमित वसुनिया आदि मौजूद थे। हमारा मैनेजमेंट ऑलवेज, चमेली देवी मैनेजमेंट ऑलवेज बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो हम एजुकेशन में साथ साथ हम ऑलवेज पार्टिसिपेट करते हैं। जब नेशनल फेडरेशन कप के लिए जब हमें मौका मिला, हमने इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जे हमारा कैंपस में ये चीज़ होना चाहिए। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से 600 बच्चे आया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक फेस्टिव मूड लग रहा है जे स्कूल्स को बच्चे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें स्पोर्ट्स के भविष्य इंडिया की बहुत प्रॉस्परस है, बहुत गोल्डन पीरियड आएगा, जैसे हमारा चीफ गेस्ट ने अभी अभी बताया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आज मुझे इंदौर में आकर के बहुत खुशी है कि यहाँ पे प्रथम फेडरेशन कप जो हो रहा है यहाँ पे, इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के टूर्नामेंट हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने एक अच्छा आयोजन रखा है यहाँ पे। आने वाला टाइम हिंदुस्तान में मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स का एक फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि हर बच्चा खेलेगा तभी क्वालिटी निकलेगी यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर बच्चा खेले। ज़रूरी नहीं है वो ओलंपिक मेडल ले, लेकिन ज़रूरी ये है कि खेलना ज़रूरी है। खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया। आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं, तो क्या उसके लिए कितना अनुशासन चाहिए जीवन के लिए, क्योंकि कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता। अनुशासन में आपने काम करा और बहुत लंबे समय की तपस्या थी वो मेरी। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं फर्स्ट इंडियन हूँ ओलंपिक में डबल गोल्ड मेडल लेने वाला। तो मैं मानता हूँ कि खेल जीवन में आपको इतना बड़ा अनुशासन सिखाता है कि खेल छोड़ने के बाद भी आप अनुशासनहीन नहीं हो सकते। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा जो डिसिप्लिन रहा लाइफ में, उसी की वजह से दुनिया का मैं चैम्पियन कहलाया हूँ। सर, आने वाले वक्त में किस तरह से आप बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अब आप जब आपका अनुभव जो गोल्ड मेडल का है, तो वह अनुभव आप शेयर करेंगे बच्चों के साथ? तो अभी तो मैं टोक्यो जो 2020 ओलंपिक हो रहा है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, और उसके तैयारी के खेलने के बाद टोक्यो के बाद में कोई प्लान बनाएंगे मुझे आगे की लाइफ कैसे जीनी है। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।